फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल सिर्फ बेकिंग और खाने को गर्म करने में किया जा सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं माइक्रोवेव से रिलेटेड कुछ ऐसे कुकिंग टिप्स जो आपके किचन के काम को चुटकियों में आसान बना देंगे। भूनिए बैंगन। माइक्रोवेव में बैंगन भूनने के लिए उसको बीच से चीरा लगाकर ऊपर से तेल लगाएं और 8 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें। तय समय बाद बैंगन निकालिए, छीलिए और मजेदार भरता बना लीजिए। पापड़ को दीजिए ट्विस्ट। गैस पर पापड़ को मनचाहे शेप पे सेकना बहुत मुश्किल है, वहीं अगर आप इन्हें रोल शेप पे सेकना चाहते हैं तो पापड़ को हल्का सा रोल करके ग्लास या फिर कप में डालकर 50 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। तय समय बाद बाहर निकालिए और तैयार कीजिए मसाला पापड़ रोल। नींबू देगा ज़्यादा रस। नींबू पानी या शरबत बनाते वक्त नींबू से पूरा रस नहीं निकलता है, तो ऐसे में नींबू को 2 पार्ट्स में काटकर 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। नींबू से पहले से ज़्यादा रस निकलेगा। बिस्किट को बनाएं क्रिस्पी। कई बार बिस्किट बाहर रखने से इनका कुरकुरापन खत्म हो जाता है, ऐसे में इन्हें कांच की प्लेट पर रखकर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें। फिर बाहर निकालिए और रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। आप पाएंगे बिस्किट पहले जैसे ही क्रिस्पी हो गए हैं। भूनिए मूंगफली। मूंगफली को रोस्ट करने के लिए कांच की प्लेट पर मूंगफली को फैलाएं और 5 मिनट तक माइक्रोवेव कर लें। बनाएं इमली का पल्प। माइक्रोवेव सेफ बाउल में इमली और आधा कप पानी डालकर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। तय समय बाद इमली को मसल कर इसका शानदार पल्प तैयार कर लीजिए। बनाइए मलाई से घी। माइक्रोवेव में घी बनाने के लिए मलाई को कांच के बड़े बाउल में डालकर 7 से 8 मिनट तक माइक्रोवेव कर लें। बीच बीच में माइक्रोवेव खोलकर मलाई को चम्मच से हिलाते रहें ताकि ये उफन कर बाहर ना निकले। पकाएं भुट्टा। माइक्रोवेव में भुट्टे को पकाने के लिए इसे छिलके सहित 8 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें, फिर निकालकर छिलका उतार लें। मिर्च मसाला और नींबू लगाकर खाएं। आई होप आपको हमारे माइक्रोवेव के टिप्स ज़रूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही वीडियोज़ और टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।